सीन पता है क्या है, अभी हमारे एक छोटी सी राइड पे जाने का बन रहा है, मतलब छोटी सी तो क्या ही कहेंगे, 63 जाना, 63 आना, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 126 किलोमीटर्स। यमुनानगर के पास एक पीर बाबाई की दरगाह है सडोरे में, हमने वहां पे जाना है। एंड अभी मैंने गूगल मैप्स पे चेक करा, 63 किलोमीटर एक तरफ का है। मतलब अपन लोग अपनी 120 किलोमीटर की प्यारी सी राइड को शुरू करते हैं। अभी जो है बहुत ज्यादा रश होने के बावजूद मत्था तो बड़े बढ़िया तरीके से टिका गया। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर हाउस। कभी कभार मेरा इतना ज्यादा मन करता है ना, भी ऐसे ही कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो, चाहे मेरे घर पे ही हो रही हो, ऐसी इतनी सारी बजरी पड़ी हुई हो और मैं इसमें डाइव मारूं, बट फिर कॉन्सिक्वेंसेस मेरे को भी पता ही है क्या होंगे। जी गलती से भी ऐसे डाइव मार दी ना, कुछ ना सही, कम से कम सर तो फट ही जाएगा। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। ऑलमोस्ट अभी जो है सुबह के 6:08 हो रहे हैं, अपनी आज की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर हाउस। और आज मैं ट्रैपॉड लाना भूल गया और इस करके फुटेज ना काफ़ी शेकी आ रही है। जब ऐसे स्टिल हूँ तब ठीक है, लेकिन जब चल रहा हूँ ना तब शेकी आ रही है। तो अपन लोग इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, अभी तो फटाफट घर चलते हैं, घर चल के नहाते हैं धोते हैं, फिर दीदी को स्टॉप पर ड्रॉप करके आते हैं, फिर आराम से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नथिंग फील्स मच बेटर देन अ कोल्ड बॉटल ऑफ वाटर आफ्टर एक्सरसाइज। भाई साहब मान तो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, बट हाँ ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए एक्सरसाइज के बाद। तुम लोग ना पिया करो, मैं पी लिया करूँगा तुम्हारे हिस्से का। खैर फाइनली अभी जो है अपन लोग घर वापस आ चुके हैं। अभी अपने पास 10-12-15 मिनट की ब्रैकेट है जिसमें हम आराम से आराम कर सकते हैं, तुम लोगों से थोड़ी बहुत वार्तालाप कर सकते हैं, उसके बाद दीदी को स्टॉप पर छोड़ के आना है। भैया आज की एक्सरसाइज वैसे फ्रूटफुल थी यार, आज मैं निकल भी जल्दी गया था। आज तो मैं 5 बजे निकल गया था घर से, पूरे पूरे 5 बजे, मतलब सूरज उदय भी नहीं हुआ था, सूरज उदय भी नहीं हुआ था, आयरनी समझ लो, और मैं निकल लिया था। और अभी अपन लोग घर भी वापस आ चुके हैं, बस थोड़ी देर आराम करें, थोड़ी देर अपनी टांगों को आराम देते हैं। पुंडी कहाँ पे भाई? पुंडी पप्पा लेके गए हुए हैं। अच्छा अपने को इसका मतलब एक्टिवा लेके जानी पड़ेगी, कोई ना एक्टिवा ले जाएंगे दीदी को ड्रॉप करने के लिए, शोरूमों की बैक साइड पर ही ड्रॉप कर देंगे। और थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, योगा करते हैं, फिर निकलते हैं अपन लोग। भाई मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं करा, पुंडी यहाँ पे है ही नहीं, पुंडी यहाँ पे खड़ी हुई है, पप्पा एक्टिवा लेके गए हुए हैं। सो जब दीदी को ड्रॉप करने जाएंगे ना तब इसी को ही लेके जाएंगे। ओ यार पानी गिर गया, कर लो क्यों पांडा, कोई ना थोड़ी देर तक तो सूख ही जाएगा ये पानी। तो अंदर रख सकते अपन लोग, ठंडा ठंडा पानी ला, 2 मिनट के लिए बाहर गया नहीं, कुंडा पहले लगा दिया। फाइनली अभी जो है दीदी को ड्रॉप करके अपन लोग घर वापस आ चुके हैं, साथ ही साथ नहाना धोना भी हम लोगों ने निपटा लिया है। और अभी का सीन पता है क्या है, अभी हमारे एक छोटी सी राइड पे जाने का बन रहा है, मतलब छोटी सी तो क्या ही कहेंगे, 63 जाना, 63 आना, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 126 किलोमीटर्स। हाँ 126 किलोमीटर की राइड मैंने और पप्पा ने भी एक्टिवा पे करनी है। और जाना हमने यमुनानगर, यमुनानगर के पास एक पीर बाबाई की दरगाह है सडोरे में, हमने वहां पे जाना है। एंड अभी मैंने गूगल मैप्स पे चेक करा, 63 किलोमीटर एक तरफ का है, मतलब टोटल बड़ी इंटरेस्टिंग सी राइड होगी। वैसे तो पहले प्लान गाड़ी में ही जाने का था, बट जो जो तो ओजी सब्सक्राइबर्स है उनको पता होगा कि मैं और पापा महीने में एक बार ही एक्टिवा पे राइड पे कहीं ना कहीं जाते ही जाते हैं, ये हमारा मतलब पक्का ठप्पा ही है कि महीने में एक बार ही जाना ही जाना है। तो सोचा इस बार थोड़ी लंबी राइड पे चलते हैं, जनरली अपन 50 किलोमीटर से ऊपर की राइड करते ही नहीं, बट यार
126 किलोमीटर्स तुम्हारी पीठ की बैंड बच जाएगी। पर चलो अभी तो बाहर चल के पेट पूजा करते हैं, क्योंकि खाली पेट नहीं जा सकता मैं, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। बाहर चल के पेट पूजा करते हैं, क्रॉक्स वगैरह डालते हैं, फिर निकलते वक्त मिलते हैं तुम लोगों को। तो यहाँ पे देख लो अपना ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, जिसमें प्लेन परोठी, प्याज की सब्जी, प्याज टमाटर की सब्जी, और साथ में कल मम्मी ने कच्चे आम लेके आई थी, उसका अचार डालना है। और इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ना, मतलब क्या ही कहें। चलो कोई ना, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं फिर निकलते हैं अपन लोग। ब्रेकफास्ट हो गया, बैकपैक हो गया, पावर बैंक हो गया, ट्राइपॉड हो गया, फ़ोन हो गया, और अपना हेलमेट भी हो गया। अभी तो अच्छे से हेलमेट उठा के पहले ये बांध दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट के ले लिया है। अपनी निकलने की पूरी पूरी तैयारी, बस पप्पा हरी झंडी दे, फिर अपन लोग अपनी 120 किलोमीटर की प्यारी सी राइड को शुरू करते हैं। भाई इन दोनों को तो भूल ही गए थे अपन लोग, पानी की बाटलियाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनके बिना तौलिया भी, इनके बिना तौलिया तो वो पड़ा, इनके बिना क्या काम चलेगा। चलो जी, सारा सामान हो गया, अब अपन लोगों की निकलने की तैयारी। अभी फालतू में मैं गप्पे छोड़ रहा था, निकलने की तैयारी होगी अब कंप्लीट, अब पक्का होगी। चलो चले। और आज की राइड की खास बात है, अपन लोग 4G लेके जा रहे हैं, नॉट 5G। इसका भी बेचारी का मुहूर्त निकला, बड़े टाइम बाद इसको ऐसे हम लॉन्ग राइड पे लेके जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। एक्टिवा भी ये बड़े टाइम बाद निकल रही है, और ये रूट भी बड़े टाइम बाद लिया जा रहा है। जिन जिन को नहीं पता है, माजरी चौक है, और ये जो ऊपर हाईवे नहीं है, सीधा हिमाचल एक्सप्रेसवे है। मतलब अगर तुम इस हाईवे के ऊपर को सीधे लेफ्ट लेफ्ट को जाते जाओगे ना उधर को, तो हिमाचल पहुंच जाओगे तुम, ये सीधा वहीं को ही कनेक्ट होता है। और ये माजरी चौक है, मतलब पंचकूला का वन ऑफ द फेमस चौक है ये। और यहाँ अगर तुम राइट की तरफ देखोगे तो सारी पंचकूला की नवी बिल्डिंग है, मतलब जितने भी नवे सेक्टर है ना, 25, 26, 27, 28, वो सारे यहाँ पे है, गंगर नदी पार करके। और इस एरिया में तुमको बंदर भी बहुत सारे मिलेंगे, मतलब स्पेसिफिक रोड पे, ये देखो स्पेसिफिक पैच पे, बल्कि पहाड़ों की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से नीचे की तरफ जाओगे, वहां से राइट को मुड़ोगे तो गुरुद्वारा श्री नाटा साहिब जी आ जाएंगे वहां पे देखो, और इधर वाली साइड को मोड़ नहीं आ जाएगा। भाई साहब अभी पीछे क्या खतरनाक रोड आई हो। खैर आगे का रोड की भी कभी आई बोला भी ज्यादा, आगे की रोड का भी कभी ऐसा सा ही हाल है, बट पीछे क्रशर इतने सारे थे, मतलब मिट्टी मिट्टी पूरी सड़क पे, मेरा फोन भी पूरी मिट्टी में लथपथ हो गया, ट्राईपॉड भी, मेरा मुंह भी, मेरे कपड़े भी। खैर अभी तो मेरे हिसाब से वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर, अभी आधा सफर और है, यानी कि 30-35 किलोमीटर अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, और 30-35 ही और हैं। तो चलो कोई ना, तुम लोग प्यारा सा मोन्टाज इंजॉय करो, अपन लोग सड़क इंजॉय करते हैं। अब तो खैर मेन रोड पे आ गए, बड़े टाइम से अपन लोग पतली सी सड़क पे चल रहे थे गांव के बीच बीच में, बीच बीच में से बड़े क्रशर आए यार, बड़े पट्टे, बड़े क्रशर ईंटों के। ये देखो यहाँ पे राइट साइड वाली सड़क बन रही है, तो सिंगल रोड कर रखी है, और भाई ये ऐसी जगहों पे ही ना सबसे ज़्यादा जाम लगता है। पर चलो कोई ना, एडेंट अपन लोग तो शायद से निकल ही लिए, बाकी आगे हो कुछ कह नहीं सकते, कैसी सी सड़क मिले अपने को। बस यहाँ पे ये गाड़ी कामयाब नहीं है, सेडान, सेडान नीचे लग जाएगी तुम्हारी। क्रशर वाली रोड तो क्या थी, जो ये वाली पीछे पैच था भाई, 500 मीटर में ना मनाली की यार आ गई,
मतलब वैसी पॉन्ड, वैसी वाटर क्रॉसिंग, वैसी ऑफ रोडिंग, बट भाई मतलब इतने टाइम बाद इस सड़क पे, वो भी एक्टिवा पे, इट्स एन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। अमेजिंग तो नहीं कहूँगा बट हाँ ये कहूँगा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। अभी देखो यहाँ पे दोबारा से वैसी सी सड़क शुरू होगी। Just crossed Narayangarh and stopped here for a quick chai as well as cool drink break. भाई सही बात बताऊँ तो थकावट हो गई है, मुश्किल से अब सडोरे 12-15 किलोमीटर है, बट फिर भी यार थकावट तो हो ही जाती है। भाई बढ़िया, अभी हम सोच रहे हैं 15-20 मिनट यहाँ पे ब्रेक लेंगे, फिर सुबह अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जिस तरह आपके पीछे सड़क आई थी ना, कई बार इस ब्रेक की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। बढ़िया है, बाहर आके वैसे कोल्ड ड्रिंक का, चिप्स का ना, इनका ना टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा हो जाता है, अलग हो जाता है। भाई साहब भले ही 15 मिनट का ब्रेक था, बट 15 मिनट के ब्रेक ने फ्रेश कर दिया एकदम। अब जितना भी सफ़र पेंडिंग है ना, बड़े प्यार से होगा, मतलब एकदम पीठ फूट में एकदम सेट होगी। वो तो 4-4 मिनट तो अपन लोग लेट भी लिए थे, तो चलो ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, अब ये कम्प्लीट करते हैं। फाइनली अभी जो है अपन लोग दरगाह पे तो पहुंच गए हैं, अब फटाफट चलते हैं, चल के इत्मीनान से माथा टेकते हैं, फिर तुम लोगों को आराम से नेक्स्ट टाइम पे ही मिलेंगे जब मेरे को मौका मिलेगा। फाइनली अभी जो है बहुत ज़्यादा रश होने के बावजूद मथा तो बड़े बढ़िया तरीके से टिका गया। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर हाउस। और मैंने ना अभी याद कर रहा था कि मैं ना कोविड के बाद, मतलब नवंबर 2019 के बाद अब आ रहा हूँ यहाँ पे। अभी तो खैर हम वापस घर की तरफ निकल रहे हैं, सो या तो तुम लोगों को आराम से घर पहुँच के मिलूँगा, इन केस रस्ते में कुछ इंटरेस्टिंग कुछ यूनिक होता है तो तब मिलूँगा। भाई अभी वैसे 60 किलोमीटर और हैं, बट चलो कोई ना, तो यार। वापसी में ज़्यादा कुछ दिखाने लायक तो था नहीं, तो मैंने सोचा आराम से घर व्लॉग आके ही कंटिन्यू, घर व्लॉग आके व्लॉग घर आके ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि कुछ था नहीं यार दिखाने को। हम सब रस्ते में एक बारी वीटा बूथ पे रुके, वहाँ पे मेरा व्लॉग करने का मन नहीं करा, फिर अपन लोग पानी पीने रुके, वहाँ व्लॉग करने का मन नहीं करा। खैर फाइनली अभी जो है हम लोग घर वापस आ चुके हैं, थक हार के चकना चूर होके। भाई सही में बहुत थकावट होगी, मतलब वर्ड्स के हिसाब से तो 126 किलोमीटर कुछ नहीं लगता, बट जब चलता है ना बंदा 126 किलोमीटर तब पता लगता है। नेवरदलेस ऑलमोस्ट दोपहर के 2 बज चुके हैं, और इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता तुम लोगों को आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नवी जर्नी के नए एक्सपीरियंस के साथ। लेन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।